अगर आप भी अपने मोबाइल पर कोई भी लॉक लगाते हो, जैसा कि पिन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक या फिर कोई भी लॉक लगाते हो, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, हम अपने मोबाइल में लॉक को सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से लगाते हैं कि हमारे मोबाइल में से पर्सनल चीज़ों को कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपने दोस्तों के सामने या फिर किसी के भी सामने अपने मोबाइल के लॉक को 3-4 बार खोल लेते हैं, तो दोस्तों उन्हें पता लग जाता है कि हमारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है, और दोस्तों वो आपके पीछे आपके मोबाइल में से पर्सनल चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लॉक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अगर किसी के भी सामने एक बार चाहे 1000 बार भी अपने मोबाइल के लॉक को खोलोगे, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने वाला कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इस तरह का ऐप है कि इसकी मदद से अगर आप अपने मोबाइल में लॉक को किसी के भी सामने अगर जितनी बार मर्जी खोलोगे, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल में कुछ इस तरह का लॉक लगाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को कहां से और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और इससे की सेटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, हम सिंपली अपने ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा, आपको इसे अलाउ करते जाना है। तो दोस्तों, हम इस तरह से कुछ परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर इनेबल लॉक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम इसे इनेबल लॉक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से इसकी परमिशन को ऑन कर देना है। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ से अपने उस ऐप को ढूंढ लेना है जो हमने ऐप डाउनलोड किया है, और इसको ऑन करने के बाद हमें यहाँ से चले जाना है बैग। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अगर अपने मोबाइल के पासवर्ड को चेंज करना चाहो तो वो भी इस ऐप से कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अपने मोबाइल के लॉक की, कि हम अपने मोबाइल को लॉक को कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली चेंज सिक्योरिटी टाइप पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फिर से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली करंट टाइम पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके लिए हमें सिंपली पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, इसको करने के बाद हमें वेयर आर यू बॉर्न पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसके बाद हम सिंपली पाकिस्तान क्लिक कर लेंगे। मैं यह क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का हूँ, तो अगर आप जिस कंट्री से भी होंगे, आप वहाँ पर क्लिक यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ से दोस्तों सेव कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ से ये देख सकते हैं, ये हमारा पासवर्ड सेट हो गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल का टाइम चेक कर लेना है। तो मेरे मोबाइल का टाइम 6:12 हुए हैं, तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक लगा लेता हूँ। एंड दोस्तों, इसको लगाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल का टाइम 6:12 है। तो मैं यहां से पासवर्ड लगा लेता हूं 0612। एंड दोस्तों, इस तरह से हमारे मोबाइल का लॉक खुल जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करोगे, तो आपके मोबाइल का टाइम चेंज होगा और इसी तरह से आपके मोबाइल का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे मोबाइल का टाइम 6:13 हुआ है। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से लॉक लगाने के बाद कुछ इस तरह से करूँगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ से 0613। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे मोबाइल का पासवर्ड भी चेंज हो गया है। तो दोस्तों, अगर इस ऐप को डाउनलोड करने की बात करें, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर इसके सर्च बार में लिख लेना है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों, इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकोगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये अपने मोबाइल के पासवर्ड को इस ऐप को डाउनलोड करके सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।